सो गाइस इसको हम ऑल इन वन वीडियो बोल सकते हैं, जैसे आप लोग मुझे राहुल सर को ऑलराउंडर बोलते हो ना, उसी तरह से हम इस वीडियो को ऑल इन वन वीडियो बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसके अंदर हम ये बात करने वाले कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमें किन किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें लेके जानी चाहिए, क्या चीजें अपने साथ नहीं लेके जाना चाहिए, और साथ में पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, एग्जाम हॉल के अंदर हमें कैसे बैठना चाहिए, ये सभी चीजों की बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले। इसलिए इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 10,000 रखता हूँ एंड 5,000 कमेंट का मुझे लगता है यार अपने प्रदीप सर को मोटिवेट करने के लिए आज अपने दोस्त लोग फटाफट पूरा कर देंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, फटाफट उसको ज्वाइन कर लो। और साथ में गाइस जो ऐप है उसको डाउनलोड करके रख लो कि बहुत सारी चीजें वहां भी मिलेगी और जो चीजें मुझे तुरंत बताना है वो टेलीग्राम पे मैं बताऊंगा। तो चलो एक एक करके, और ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है, सभी बच्चों के लिए। और स्टार्टिंग में ही एक चीज बोल देना चाहता हूँ, कल मराठी मीडियम के बच्चों का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो भाई मेरी तरफ से एंड राहुल सर की तरफ से एंड हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। एग्जाम में झंडे गाड़ के आना, समझ में आ रहा है? तो चलो सबसे पहले भाई देखो, आप कल जो एग्जाम है उसमें अपने साथ पेंसिल और पेन जरूर लेके जाना। मैं आप सभी को सजेशन दूंगा, 3 पेंसिल लेके जाना। और बोलेंगे तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, अच्छा ठीक है भाई 4 पेंसिल ले लेना, बट मेरे कहने का मतलब है 1 से ज्यादा पेंसिल लेके जाना। और वो पेंसिल सभी शार्प किया हो कि वहां नहीं आपको टाइम लगे कि शार्प करने बैठोगे ऐसा वैसा, वैसा अपने साथ पेंसिल लेके जाना। और एक अच्छा खासा पेन लेके जाना, और ऐसा पेन लेके जाना जिससे आपने बहुत पहले से लिखा हुआ है, 3-4 महीने से आप उससे पेन से लिख रहे हो, वही ब्रांड का पेन लेके जाना, भले कितना भी महंगा हो कितना भी सस्ता हो भाई अपने साथ वो लेके जाना, ओके। और इसको तो लेके ही जाना। अब इसके साथ अगर मैं बात करूं, हाँ एक और चीज मैं पेन से रिलेटेड बताने जा रहा हूँ कि अगर इन केस एग्जाम के टाइम आपका पेन खत्म होता है, तो मैंने बोला अपने साथ 3 या 4 पेन लेके जाना, 4-5 पेन लेके जाना और उसी सेम ब्रांड का, क्योंकि देखो गाइस आप ब्लू से ही लिख रहे हो समझ लो, और ब्लू आपका पेन खत्म हो आपके पास दूसरे ब्रांड का पेन है, तो बहुत बार क्या होता है कि जो ब्लू में भी ना थोड़ा डिफरेंस रहता है, कोई लाइट होता है कोई डार्क होता है, तो सेम ब्रांड का पेन लेके जाना, क्योंकि अगर ब्लू कलर में ऊपर नीचे हुआ तो बहुत बार वो रिस्क होता है। अगर आप पेन चेंज भी कर रहे हो तो टीचर को एक बार बुला के उनसे पूछ लो, टीचर बोल रही ठीक है, नहीं तो टीचर वहां सिग्नेचर कर देगी, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। और आपको मैंने 2 दिन पहले 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा अपडेट, सबसे पहले न्यूज वालों से भी पहले सबसे पहले मैंने अपडेट दे दिया था कि आकृति जो है, जो आकृति होता है वो लैंग्वेजेस की आकृति पेन से भी बना सकते हो, पेंसिल से भी बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ओके। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर अभी मेरे दिमाग में से चलता रहेगा, तो भाई पेन से बना दो, आप किसी से बनाओगे इस बार मॉडरेट, जबकि पहले भी रूल नहीं था पर बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता था, इसीलिए बच्चों को डर डाला जाता था, डर क्योंकि टीचर्स को भी नहीं पता, इतने टीचर्स को नहीं पता था, बट इस बार क्लियरली बोला गया है बोर्ड की तरफ से कि मॉडरेटर को इस बार बताया जाएगा कि एक भी बच्चे का कुछ भी नहीं कट किया जाए, तो भाई आपको कोई टेंशन नहीं, फिर भी आपकी चॉइस है, जिससे बनाना है उससे बना सकते हो। तो ये बात मैंने पहले इधर खत्म कर दिया, प्लीज कॉमेंट में ये मत बोलना, कॉमेंट में मेरी तारीफ कर देना, के समझ आया, मस्त ब्लेजर पहन के आया हूँ और इंस्टाग्राम पे भी आपने मेरी बॉडी देखी ही होगी। इसके बाद गाइस चलो हंसते खेलते रहो यार, टेंशन नहीं लेने का। दूसरी बात गाइस, अपने साथ हॉल टिकट लेके जाना। अब हॉल टिकट लेके हॉल जैसे निकल रहे हो, सबसे पहले मेरी बात याद रखना, निकलने से पहले दिमाग में सबसे पहले अपने पाउच के बारे में एक चीज बताने वाला, उसको ध्यान रखना। हॉल टिकट निकलने से पहले अपने घर वालों को भी बोल के रखना कि जब मैं निकलूंगा तो मुझे जो मैं बातें यहाँ बता रहा हूँ अपने घर वालों को भी बोल देना कि एक बार मुझे बोलना कि ये चीजें रखी है कि नहीं रखी है, क्योंकि निकलने से पहले वो चीजें चेक कर लेना। और हॉल टिकट सबसे पहले, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ ये टेंशन लेंगे कि सर मैंने हॉल टिकट लेमिनेट करवा दिया है तो क्या टेंशन आएगा। देखो गाइस आपने करवा दिया तो टेंशन मत लो, क्योंकि आपके प्रदीप सर ने भी करवा दिया था, मैंने भी करवा दिया था, मुझे बहुत लोगों ने बोला बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा, अब जब करवा दिया है तो टेंशन मत लो, अगर नहीं करवाया तो ऐसे ही लेके जाओ, कुछ भी नहीं होता, समझ में, टेंशन नहीं, आप चले जाओगे। तो हॉल टिकट अपने साथ लेके जाना। अब इसके बाद गाइस हॉल टिकट चेक करके लेके जाना, बारकोड एंड होलोग्राफ। अब एग्जाम हॉल के अंदर जब बारकोड एंड होलोग्राफ लगाने की बारी आएगी तो 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे पहली बार ये चीजें देख रहे हैं तो उनको नहीं पता रहता, तो अगर आपको थोड़ा भी डर लग रहा है, टीचर अगर दूर से भी आपको बता रही है ऐसे करो ऐसे लगाओ ये करो वो करो, बट आपको टेंशन आ रहा है, क्योंकि देखो गाइस ऊपर नीचे हुआ ना, क्योंकि उसके बाद आपको नहीं मिलने वाला, तो ऊपर नीचे कुछ भी हुआ तो अगर आपके मन में थोड़ा भी डर है, टीचर को बुलाओ, एग्जाम का फी भरा है आपने, टीचर को बोला, टीचर को बोला टीचर मेरा हाथ कांप रहा है मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहला पेपर टीचर करके देगी, करके देना ही पड़ेगा उनको, बट बहुत प्यार से, बहुत एकदम प्यार से बुलाना, जितना भले आप कितना भी रूड हो कितने भी एटीट्यूड वाले हो, बट एग्जाम में अपने सभी चीजों को छोड़ के आना यार, जितने अच्छे से रहोगे वो उतना आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। और बारकोड और होलोग्राफ से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसको आप देख लोगे तो वैसे आप किसी को बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ओके। बारकोड एंड होलोग्राफ बहुत जरूरी होता है। इसके बाद गाइस आंसर शीट जैसे ही आपको मिलता है, आंसर शीट को आप फटाफट बहुत अच्छी तरीके से एक बार देख लो, बहुत बार बच्चे क्वेश्चन पेपर जो मिलता है वो देखते हैं, आंसर शीट नहीं देखते,
शीट कट है, शर्ट है, कुछ पेज कम है, आधा पेज फटा हुआ है, तो आप तुरंत चेंज कर सकते हो। पर आपने एक बार लिखना स्टार्ट कर दिया, दो तीन पेज लिख दिया, चार पेज के बाद आपको पता चला कि आपका पेज फटा हुआ है, तो भाई अगर हो सकता है उस समय एग्जामिनर चेंज भी करके दे, तो आपका टाइम चला जाएगा। इसीलिए आंसर शीट को बहुत अच्छे से चेक कर लेना, और इसके बाद क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर को भी अच्छे से देख लेना। बहुत बार मीडियम का गड़बड़ हो जाता है, जबकि कल तो एक ही मीडियम का है, या 4 तारीख को जो आने वाले हैं उन बच्चों का है, पर बहुत सारे जगह पेपर उल्टा सीधा हो जाता है। इसलिए समझाऊंगा कि आपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लेना, आपका ही पेपर है कि नहीं है। इसके बाद गाइस वाटर बॉटल साथ में लेके जाना, बट ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए। और मैं शूज के सबके बारे में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। पाउच जिसके अंदर आप पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर सभी कुछ लेके जाओगे, स्केल लेके जाओगे, स्टेंसिल भी लेके जा सकते हैं, स्टेंसिल लेके जाओ। बहुत सारी जगह बोलते हैं स्टेंसिल बाहर निकलवा देना, निकलवा देते तो क्या होता, बाहर रख देना ना। मैं लेके गया था, मेरा कोई नहीं निकलवाया था, समझ रहे, आपके प्रदीप सर लेके गए, तो लेके जाना, निकलवाएंगे तो जा थोड़ी आपको बाहर कर देंगे, ए बस वो ले लेंगे और क्या करेंगे। स्टेंसिल लेके जाओगे तो जो आकृति बनाना रहेगा ना, वो आपके लिए आसान रहेगा। तो पाउच अपने साथ लेके जाना, बट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कॉम्पास बॉक्स से अच्छा पाउच लेके जाना, ट्रांसपेरेंट रहेगा तो इतना चेकिंग वेकिंग करने का टेंशन नहीं आएगा। इसके बाद गाइस वॉच, डिजिटल वॉच बिल्कुल नहीं लेके जाना, अपने साथ वॉच लेके जाना है, वॉच अपने साथ लेके जाना है, पर डिजिटल वॉच बिल्कुल नहीं लेके। इसी चैनल पे अगर आप सर्च करोगे तो मैंने टाइम मैनेजमेंट का वीडियो डाला हुआ है, टाइम मैनेजमेंट का वीडियो आराम से देख लोगे तो आपको पता चल जाए कितने घंटे में कितने सेक्शन को खत्म करना है। ओके, समझ में आया। अगर आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, बट गाइस मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग, अगर मैंने इनकेस नहीं भी डालोगे तो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को बता दूंगा, इसीलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना। डिजिटल वॉच प्लीज रिक्वेस्ट है, डिजिटल वॉच मत लेके जाना, नॉर्मल वॉच लेके जाना, और वॉच अपने साथ जरूर लेके जाना। इसके बाद गाइस ड्रेस कोड, देखो अगर आप स्कूल में हो, अगर बहुत सारे बच्चे प्राइवेट एग्जाम देते हैं तो जनरली वो तो मतलब वो ड्रेस उनका स्कूल का यूनिफॉर्म तो नहीं होता, तो अगर आपका स्कूल का यूनिफॉर्म प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाओ। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि क्या सर अगर यूनिफॉर्म में जाएंगे तो शूज भी पहन के जाना है। देखो शूज भी पहन के जा सकते हो, या स्लीपर में जा सकते हो, सैंडल में जा सकते हो। सैंडल में जाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ बताए, बहुत बार बदबिना मतलब का शूज निकलवाया जाता है, ये निकलवाया जाता है चेकिंग के लिए, ऐसे अच्छा अगर स्लीपर पहन के जाए, देसी बन के जाओ। पर ऊपर के पूरे ड्रेसअप में जाने का, आईडी कार्ड लगा के जाने का, इन करके जाने का, ये करके जाने का, वैसे तो शूज भी अगर आप सही हो तो कोई टेंशन नहीं है, ये सभी चीजें अच्छे से कर दो। ड्रेस कोड आपके कॉलेज आपके स्कूल का जैसा वैसा करके जाना, बिल्कुल भी इन निकाल के जाके हीरोगिरी दिखा के, भाई हीरोगिरी एग्जाम के बाद अपन दिखाएंगे, अपन किसी से कम नहीं है, दिखाएंगे बाद में। बट अभी जितना नॉर्मल बन के जा सकते हो, क्योंकि जितना आप नॉर्मल आप दिखाओगे ना उतना टीचर की नजर में आओगे, इसलिए जितना नॉर्मल बन के जा सकते हो, कल के दिन टीचर को लगे सबसे शरीफ लड़का यही है तो आपके पास टीचर भटकेगी नहीं। इसके बाद गाइस हेयर्स, मैंने बोला हेयर को जितना भी है ऐसा करके लेके जाने की जरूरत नहीं, ऐसा वैसा वो सब एग्जाम के बाद करेंगे, समझ में, वो एग्जाम के बाद हम लोग करेंगे, अभी ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल तो बिल्कुल भी नहीं है। जितना नॉर्मल रख के जाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। इसके बाद गाइस डिसिप्लिन, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिला, इधर उधर ऐसा वैसा वैसा ऐसा करना स्टार्ट किया, मत करो, पहले बिल्कुल मत करो। एग्जाम हॉल में आराम से बैठे हो, आजू बाजू में जो आपको बैठे उसको भी ये फील मत करवाओ कि मेरे आगे जो बैठा उसको कुछ नहीं आता, ऐसा फील करवाओ कि आपको सब आता है, तो पीछे वाले को भी कुछ आता है ना, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। आपने पहले दिखा दिया कि तेरे को तो कुछ आता ही नहीं, बहुत सारे बच्चे जाके बता अरे मेरे तो कुछ करके ही नहीं आया, ऐसा मत, ये एग्जाम हॉल में मत दिखाओ, ये आप स्कूल में दिखाते तो चल रहा है, आजू बाजू में ये दिखाओ कि तेरे भाई ने इतना किया तू भी करेगा, समझ रहे हो ना, समझ जाओ बाद में। और टीचर के सामने पूरा एंट्री कर रहे हो, अगर टीचर है तो टीचर को अगर है तो गुड मॉर्निंग बोल दो, टीचर आ रही है आपके सामने रिस्पेक्ट के साथ, अगर कुछ भी है तो पूरे प्रॉपर तरीके से कैसा करो टीचर को आपसे लेके कुछ भी ये ना फील हो, समझ आ, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी इधर उधर करोगे ना तो टीचर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए प्रॉपर डिसिप्लिन में, भले आपने पूरी जिंदगी में स्कूल में नहीं फॉलो किया है, बट भाई अपना टाइम है तो अपने को करना पड़ेगा। इसके बाद गाइस बोर्ड रूल, आपका कोई भी पेपर है, लैंग्वेजेस का पेपर है, साइंस का पेपर है, मैथ का पेपर है, कोई भी पेपर है, आपको उसके बोर्ड रूल प्रॉपर तरीके से पता रहना चाहिए। और अपने चैनल पे हमने सब कुछ प्रॉपर तरीके से डाला हुआ है कि राइटिंग स्किल में हर सेक्शन में कैसे डालना है, कैसे लिखना है, क्या करना है। और बाकी एग्जाम के एक दिन पहले जो साइंस मैथ ये सब का, तो हम लेके भी आएंगे। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, भाई यहाँ पढ़ाने वाले नेक्स्ट लेवल के कुछ टॉपर है, समझ में आ रहा है, तो आपको ये चैनल बहुत अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाना चाहिए, बाकी बच्चों तक भी ये बातें पहुंचे। इसके बाद गाइस देखो पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन को मैं लेके यहाँ चीजें बता देता हूँ। वैसे पेपर से प्रेजेंटेशन का एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो जरूर देख लेना, बट थोड़ी थोड़ी चीजें मैं यहाँ बता देता हूँ। फर्स्ट पेज कैसे भरना है, इसको क्या हो रहा है, फर्स्ट पेज कैसे भरना है वो भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो वो भी आप अच्छे से देख लेना। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लो ये हमारा आंसर शीट है, ओके ये हमारा आंसर शीट है, इस आंसर शीट में बताऊंगा
मैं बार बार बोल चुका हूँ, ये मेरी फर्स्ट पेज कैसे फिलअप कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, वो मैं आपको भेज दूंगा, उसको बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। अब गाइस यहाँ ओके, ये देखो एक कलर थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि क्या सर मैं ब्लैक पेन यूज़ कर सकता हूँ, ब्लू पेन यूज़ कर सकता हूँ, ब्लैक एंड ब्लू में से दोनों भी कोई एक यूज़ कर सकते हैं, क्या ब्लैक यूज़ कर रहे हैं या ब्लू भी यूज़ कर रहे हैं। मेरा पर सजेशन अगर मानना चाहोगे तो मैं आप सभी को बोलूंगा ब्लू पेन यूज़ करो। ब्लू पेन यूज़ करने से क्या होगा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जेल पेन यूज़ कर सकते हैं, देखो कोई रोक टोक नहीं है बोर्ड की तरफ से कि आप जेल पेन यूज़ नहीं कर सकते, बट जेल पेन बहुत सारे जेल पेन क्या होते हैं बहुत टाइम तक रखने के कारण फैलते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि यूज मत करो, इसलिए बॉल पेन यूज करने के लिए बोला जाता है। तो अगर मेरा सजेशन मानोगे, इसके लिए कोई रूल नहीं कि आपका पेपर कैंसिल होगा, पहले बता देता हूँ, बट मेरा सजेशन बोल मानोगे तो मैं आपको बोलूंगा बॉल पेन यूज करो और ब्लू पेन यूज करो, समझ में आया। ब्लू पेन यूज करोगे तो क्या होगा कि अगर कोई मेन पॉइंट है जहां आपको अंडरलाइन करना है तो पेंसिल से अंडरलाइन करोगे, और पेंसिल से अंडरलाइन करो कोई मार्क्स नहीं कट करने वाला, भाई तेरा भाई बोल रहा है बहुत अच्छा स्कोर किया था, समझ में आया, और अपने घर में 6 के 6 सब्जेक्ट में टॉप करने वाला आपका राहुल सर है, समझ में आया। तो वो सब जो चीजें बोल रहा हूँ आग बंद करके फॉलो करो अंडरलाइन, क्योंकि जो टॉपर होता है ना उसका पेपर और नेक्स्ट लेवल का चेक किया जाए, जब उसने ये सभी चीजें फॉलो की है तो आपको कोई टेंशन होना ही चाहिए, और आप में से मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लेवल का स्कोर करेगी कि अपना दिल चौड़ा करके बोले भाई ये अपना स्टूडेंट है। तो अंडरलाइन अंडरलाइन वहां करना है सब चीज अच्छे से, जहां भी आपको लगे मेन पेपर में आप पेंसिल से अंडर, तो ब्लू पेन से लिखा है और पेंसिल से अगर आपने अंडरलाइन किया हुआ तो चीजें थोड़ी उठ के दिखती है और एग्जामिनर को चेक करना थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो है ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, ये देखो मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, ये जो पेपर है, ये जो पेपर रहता है पेपर के ऐसे बीच में अंडरलाइन कर देते हैं। वैसे आप कल जाके देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि ऑलरेडी यहाँ यहाँ आपको यहाँ ऐसा दो लाइन दिया रहेगा, ऐसा दो लाइन दिया हुआ है, तो आपको ये भी करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वो पेपर प्रेजेंटेशन का भेजूंगा तो उसको देख लेना, उसमें मैंने सेम टू सेम करवाया, राहुल सर ने भी करवाया था। आपको एकदम एंडिंग पे लाइन करना है, एंडिंग पे लाइन करना है, बिल्कुल बीच में लाइन बिल्कुल मत करो, मैं सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस आपकी मर्जी, पर जितना बच्चे प्रदीप एंड राहुल सर को फॉलो करते वो एक बच्चे भी ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप ऊपर डालोगे ओके, फिर इसके बाद आप जो है आपका सब क्वेश्चन आपने ये डाला और इसके नीचे इसमें भी सब क्वेश्चन दिया हुआ, इसके नीचे ऐसे ऐसे करके आप लिखो, और मेन मान लो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया तो क्वेश्चन नंबर 2 नए पेज पे, और क्वेश्चन नंबर 1 में जितने वहां है सिंगल सिंगल लाइन पेंसिल से ऐसे ऐसे कर देना पेंसिल से, और क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से खत्म हो गया तो डबल लाइन, और इसका प्रॉपर तरीके से हमने प्रेजेंटेशन बनाया, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसको जाके देख लेना, और प्लीज जितना हो सके वीडियोस को लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, और जल्दी आना नेक्स्ट में और धमाका करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।